अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद मोहम्मद फारूक। तेरा मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। एक भाई ने मुझे मैसेज किया कि अगर सराउंडिंग्स में घर हो, मतलब कि जहाँ पे आप वाटर का काम करना चाह रहे हैं, मतलब आरओ प्लांट ना लगाएं, हम अपने उस टैप वाटर का, उस ग्राउंड वाटर का सिर्फ लैब टेस्ट करवाएं और लैब टेस्ट हमें बताए कि ये क्लियर है, पानी क्लियर है, और हम उसे बोतलों में भर भर के तो सेल आउट करें। तो इसके बारे में थोड़ी रहनुमाई फरमाइएगा। देखिए मेरे भाई, आप इस तरीके को ये तो कह सकते हैं कि हम पानी बेच रहे हैं, हम सादा साफ पानी बेच रहे हैं। आप उसे ये नहीं कह सकते कि हम मिनरल वाटर बेच रहे हैं। देखिए कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं ना, किस लिहाज से होती हैं। अगर तो आप ऐसी सूरत में, जिस तरीके से मैंने वीडियो के शुरू में बताया है कि सराउंडिंग्स में घर हो और आप सिर्फ लैब टेस्ट करवा के पानी बेचना शुरू कर दें, अगर ऐसी सूरत हो और सिर्फ आप पानी बेचें, उसके ऊपर बोतल के ऊपर कैप ना लगाएं, सिर्फ उसके ऊपर आर्जी कोई टकन उसको बंद कर दें, छापर लपेट दें, या आप जो गैलन होती है, चूड़ी वाली गैलन होती है जिसके ऊपर चूड़ी होती है, अगर आप उसमें पानी बेचें तो फिर आपको कोई भी महकमा वगैरह तंग नहीं करेगा और ना ही पानी खरीदने वाला आपको एलिगेशन लगाएगा। अगर तो सराउंडिंग्स में घर मौजूद है तो आप इस तरीके से अपना बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैंने 19 लीटर की बोतल तैयार करनी है और मैं अब टैप वाटर से ही पानी भर भर के इस्तेमाल करूँगा, और आप उसके ऊपर प्रॉपर कैप लगाते हैं 19 लीटर बोतल के ऊपर, उसके ऊपर सील लगाते हैं, या आप हाफ लीटर और 1.5 लीटर का काम करते हैं, प्रॉपर सील लगाते हैं, प्रॉपर कैप लगाते हैं और उसे पैट पे बना कर सेल आउट करते हैं, तो ऐसी सूरत में मुतलका महकमा आपको ये काम करने नहीं देगा। ना तो महकमा आपको ये काम करने देगा और ना ही पानी परचेज़ करने वाला सेटिस्फाई होगा, क्योंकि आप मिनरल वाटर करके सादा पानी नहीं बेच सकते। तो ये हमारी इलाकी रवायात के भी खिलाफ है, दूसरा महकमाना कार्रवाई इसमें शामिल हो जाती है। इसलिए ऐसा कोई भी मेरे भाई काम ना करें। मैं आपको शुरू दिन से ही बता रहा हूँ कि आप काम करें, जेन्युइन करें। हमारे इर्द गिर्द मल्टीनेशनल कंपनीज का जाल बिछा हुआ है, हमने उनका मुकाबला करना है। ये नहीं है कि हम मुकाबला इस तरीके से करें कि उन्हें अपने सर पर ही बिठाई रखें और हम उनके पीछे दौड़ते रहें, ऐसा नहीं है। हमने आगे दौड़ लगानी है, वो हमारे पीछे पीछे चलें। तो ऐसी सूरत में ईमानदारी और क्वालिटी, ये इन चीज़ों पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना। शुरू दिन से ही मैं यही कह रहा हूँ, इसलिए ऐसा कोई भी काम ना करें। ना तो मैं सजेस्ट करूँगा इस तरह का आपको काम, और ना ही मैं आपकी हेल्प करूँगा इस तरह के काम में, और ना ही मैं आपको इस तरह के काम में किसी किस्म का मशवरा दूँगा। मैं इस तरह के काम के ख़िलाफ़ हूँ और रहूँगा इंशाल्लाह। इसलिए आप प्रॉपर काम करें, मिनरल वाटर प्लांट लगा के करें। रजिस्ट्रेशन अगर आपकी नहीं हो रही जने, वो एक अलहदा मैटर है, लेकिन आप काम तो ठीक कर रहे हैं। आप कोई भी महकमा या कोई भी आपका कस्टमर आके चेक करेगा, वो सेटिस्फाई तो होगा कि यार वाकई ये एक प्रॉपर थ्रू प्रॉपर चैनल काम कर रहे हैं, कोई भी किसी भी किस्म का ऐसा मसला नहीं है कि पानी ठीक नहीं भर रहा। इसलिए कस्टमर की तसल्ली पहले नंबर पर, पानी की क्वालिटी उससे भी पहले नंबर पर, और आपका अहलाक उससे भी पहले नंबर पे। मतलब कि ये सारे, मैं किसी भी चीज़ को फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर या थर्ड नंबर नहीं दे सकता। सारी चीज़ें अपने अपने लिहाज से अहमियत की हामिल होती हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। इजाज़त दीजिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।